आए सुपा बाली घर की सुग्रीव पुकार, आ अभिमानी वीर अब मैं भी हूँ तैयार। सुन दहाड़ सुग्रीव की गरज उठा बलवान, आकर क्षण में खींचता पापी तेरे प्राण। क्रोधातुर मद में फूल उठा तारा, बोली प्रभु जाओ ना, है उसकी मदद में राघवेंद्र, सुग्रीव का धोखा खाओ ना। सुग्रीव बिचारा क्या आता, भगवान ही उसको लाए हैं, प्रभु से लड़ने में कुशल नहीं, मेरे तो प्राण घबराए हैं। बाली गरजा चल हट कायर, सह सकूं युद्ध की ताल नहीं, तेरी गोदी में छिप जाऊं इससे भी रुकता काल नहीं। गीदड़ है तो वध कर दूंगा, प्रभु है तो मारा जाऊंगा, भगवान ने मारा तो हे प्रिय सीधा बैकुंठ सिधाऊंगा। यूं कह कर सिंह दहाड़ चला, प्रतिभट से हाथ मिलाया है, बलभर जो एक घूंसा मारा, सुग्रीव धरनी चिल्लाया है। पड़ते ही भागा सुग्रीव हाय करके, प्रभु से बोला मरवाओगे क्या बाली समक्ष लाए करके। हे नाथ आपके बल पर ही इस काल से लड़ने आया हूँ, आखिर क्या आपने सोचा है, कुछ भेद समझ नहीं पाया हूँ। मित्र व्यथा लख राम ने कहा न हो अधीर, कर सरोज धर शीश पर मेटी सब तनवीर। बोले तुम दोनों एक शक्ल के थे इससे मैं चकराया, इस एक रूपता के कारण हेता तुम मदद नहीं कर पाया। लो मेरी माल डाल उर में जाओ, अब होगी हार नहीं, अन्यायी बाली की वज्र मूर्ति एक क्षण में होगी छार यहीं। फिर दोनों भिड़े लड़े बहुविधि, प्रभु बिटप ओट से लखते थे, सुग्रीव में छल बल कितना है मानो ये निरीक्षण करते थे। सुग्रीव की छाती पर चढ़कर जिस समय बाली हुंकारा है, तक कर भगवान ने हृदय माझ एक बाण करारा मारा है। धोखा कही मही लोटा, साहस बटोर अकुलाए उठा, जब शाम गात प्रभु को देखा, अभिमान में भर झुंझलाए उठा। बोला छिप कर ब्याद सम क्यों मारा मुहि राम, धर्म हेतु अवतार ले छल अधर्म का काम। प्रभु बोले तुझको यह बर था, जो रण में सन्मुख आएगा, उसके शरीर का आधा बल तू तत्क्षण ही पा जाएगा। इसलिए छिपाओ अभिमानी मम आशित जान सुग्रीव लिया, फिर भी मेरी परवाह न कर उसके बदने को युद्ध किया। पत्नी की उचित सिखावन पर कर क्रोध दंभ में अकड़ा है, कन्या समान जो अनुज बधु उसको निज बल से जकड़ा है। जब जानता खल बधु और धर्म संस्थापन ध्येय हमारा है, तब व्यर्थ प्रश्न जो तुझ सा दुष्ट अन्यायी मैंने मारा है। बालिका
जही नाम लय और जन्म मरण मिट जाए सो प्रभु मम सन्मुख खड़े जियो कौन फल लाए सौंपी अंगद ही राम कर उर प्रभु प्रीति दिढ़ाए बाली गयो वैकुंठ को कही जय जय रघुराय सियावर रामचंद्र की।